हेलो गाइस एंड वेलकम। और सबका मन में यही क्वेश्चन है, सब या डब। बट अगर हम लोग को अपना एनिमे कम्युनिटी को बढ़ाना है तो हम लोग को कुछ अलग करना पड़ेगा। हिंदी डब को सीन में लाना पड़ेगा, क्योंकि सब कोई ऐसा नहीं कि सब कोई इंग्लिश में देख के कर सकता और सबको इतना फास्ट सबटाइटल रीड कर सकता है। हमको टाइम लगा था एडजस्ट करने में और बहुत कोई एडजस्ट करना नहीं चाहता, तो वो लोग के लिए अर्जुन तुम्हारा फ्रेंड जो है वो अभी तक देखा नहीं है एनिमे, क्योंकि वो इंग्लिश में है या सबटाइटल पर जापानी उसको समझ में नहीं आता। तो उन लोग के लिए हम लाए हैं अपना फ्रेंड को ही ना, ठीक है। तो हिंदी डब और कहाँ देखना है वो भी हम सोच के बता देंगे। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन है डीमन स्लेयर, और डीमन स्लेयर का नहीं पता कौन गधा लोग ये डब किया, पता है पर रिसर्च किया है। तो ये लोग डायरेक्ट सीजन 2 डब कर लिया, तो सीजन 1 डब है ही नहीं। तो हम रिकमेंड करेंगे कि देखो, बट सीजन 1 आ रहा होगा तो देखते। और उसमें और एक चीज़ है जिसमें और एक चीज़ ऐड करते हैं, जो सीज़न 2 है तुमको सीज़न 1 देखने का ज़रूरत नहीं है सीज़न 2 देखने के लिए। बहुत सारा हिंट है, जैसे बहुत सारा चीज़ है, तुम मूवी भी देख सकते हो रेनबो पूज उसमें है, तो उसमें डेमन स्लेयर का एक सीज़न फिर मूवी फिर एक सीज़न है। तो अगर तुमको डेमन स्लेयर देखना है, और वन ऑफ द मेस्ट मेरा बेस्ट सीज़न है, यहाँ पोस्टर भी लगा हुआ है डेमन स्लेयर का। सो अकॉर्डिंग टू मी डेमन स्लेयर का डब सीज़न 2 आ गया है, सीज़न 1 आने वाला होगा, जाके चेक करो। और हम और एक बात करेंगे, नारुतो डब आना चालू हो गया है। अगर तुमको देखना है तो, पर तुम्हारे घर में टीवी भी है तो टीवी में भी नारुतो डब आना चालू हो गया है। और नारुतो डब अगर देखना है तो अभी तक बहुत कम ही एपिसोड आया है, पर आया है, और जाके देखना चालू करो। वो धीरे धीरे डाल रहे एपिसोड, तुमको वन ऑफ द बेस्ट एनिमे, तुमको एनिमे से हुक करा देना। और रिकमेंडेशन मेरा ये रहेगा कि जब नारुतो स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, अपना सारा काम ख़त्म करके चालू कर देना, क्योंकि एक बार तुम स्टार्ट करोगे फिर रुकने वाला नहीं है। तो पहले 5 एपिसोड, फिर 5 से 25 होगा, फिर 25 से 40 हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी बात पे कंटिन्यू करते हैं। और क्रंची रोल का तुम ऐड भी देखे होगे, माय ड्रेसअप डार्लिंग का, अब वो है एनिमे और फुल्ली रोमांस एनिमे है और बहुत फन है, स्लाइस ऑफ लाइफ भी है। तो जाके देखो, सीज़न 1 हम देखे थे, बड़ा मज़ा आया था। और तुमको ये नाम हम ले रहे हैं मूवी का, ठीक है ना, ये है योर नेम। अगर तुमको एनिमे का मूवी देखना है, कि तुमको हिंट चाहिए एनिमे कैसा हो सकता है, ठीक ना, कैसा एनिमे हो सकता है, और तुमको रोमांस एनिमे कैसा हिंट चाहिए कि तुमको कंटिन्यू करना चाहिए, तुम्हारा फ्रेंड कितना रिकमेंड कर रहा है, तो हम रिकमेंड करेंगे जाके योर नेम देखो। योर नेम है जो मेरा, योर नेम मेरा पहला एनिमे मूवी था। योर नेम पहले, आई थिंक योर नेम मेरा पहला एनिमे था, क्योंकि हम साइलेंट वॉइस भी सेम टाइम में देखे थे, कौन सा पहले देखे थे याद नहीं है। तो हम रिकमेंड करेंगे जाके योर नेम देखो। और एक क्रंची रोल लाया है, वन ऑफ द फेवरेट, तुम एनिमे के बारे में सुनोगे तो ये साउंड तो जरूर ही सुनोगे। तो जब तुम एनिमे देख रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट तुमको ईयर गैसम जो देगा वो है फायर फोर्स, एकदम नेचुरली गुड एनिमे है वो, हमको तो बड़ा मज़ा आया था देख के। और एक्शन पैक्ड एनिमे है, तो जाके देखो। और अगर तुमको और देखना है, तुमको और वैसा एनिमे, तो हम तुमको लाते रहेंगे, कमेंट में डालना। और तुमको कैसे किस टाइप का वीडियो चाहिए हमको बोल, तो हम लाते रहेंगे, ठीक ना। और लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और कहाँ पर देखना है ये तो हम भूल ही गए, ये आपको मिलेगा क्रंची रोल पे, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक ना, जाके देख लो क्रंची रोल पे। अगर तुमको थोड़ा साइट से देखना है, ठीक ना, तो अगर तुमको वो हिंदी डब नहीं मिल रहा है तो तुम हमको इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम में डीएम करो, हम तुमको
भेज देंगे लिंक कहाँ से देख सकते हो। तो टाटा बाय बाय, बाद में मिलते हैं, सायोनारा।